हेलो एस्पायरेंट्स, जैसा कि अब आपके एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल पास आ चुकी है और 21 अप्रैल को आप एनडीए के एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मार्क्स का डिवीज़न और बाकी चीज़ें आपको पता है। यदि आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है और गैट के एग्जामिनेशंस के लिए जो अपेयर हो रहे हो उसमें लास्ट टाइम आपको सारी चीज़ों को रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स पे हम बात करेंगे जो अमूमन हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बार उसके बारे में जनरल सा डिस्कशन कि आपको इस लास्ट टाइम आवर्स में क्या करना चाहिए। ये लास्ट के जो एक हफ्ते आपके पास बचे हुए हैं उनमें किन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करके ज़्यादा रिवाइज करना है। तो आप लोग गैट के एग्जामिनेशंस में अभी हम सिर्फ जीएस के पोर्शन पे ही बात करेंगे और जब जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। और जीएस की स्ट्रेटजी में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जितना भी पढ़ो कम पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहला सजेशन ये है कि आप किसी भी कीमत पे नए टॉपिक को ना उठाएं, ओके। यदि आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिसेंटली वो टॉपिक रह गया है और वो 5-10 मिनट में कवर किया जा सकता है तो प्लीज़ आप उसे देख लें। लेकिन यदि वो लेंथी टॉपिक है, जैसे कि यदि आपने क्लाइमेट नहीं पढ़ा ज्योग्राफी का और हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं और क्लाइमेट पढ़ने बैठेंगे तो वो तो ना लास्ट समय में समझ में आ पाएगा और ना ही उसके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो उस समय के टाइम को बचाइए और उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए जिनको आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे करेंट अफेयर से। करेंट अफेयर और मिसलेनियस, इस पोर्शन से हमेशा ही क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है। आएंगे लगभग आपको 7-8-10 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं इस पोर्शन से। करंट अफेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखिएगा कि कब से कब तक का करंट अफेयर पढ़ना है। तो करंट का मतलब ही होता है कि अभी की वर्तमान की चीज़ों को जानना। इसका मतलब कि पुराने साल के करंट अफेयर को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वो करंट अफेयर रह ही नहीं गया, वो एक तरह से इतिहास बन गया। करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं, करंट अफेयर्स में सेप्टेम्बर अटेम्प्ट के बाद से यानी कि अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक, अक्टूबर 2018 से लेकर के फरवरी 19 तक के करंट अफेयर को आपको स्पेशली फोकस करके चलना है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो मार्च वाला करंट अफेयर है, मार्च मंथ में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेज हुए थे, वाटर डे है, ओके, अर्थ आवर डे है, तो इसमें क्या करना है आपको, जो मार्च की थीम्स हैं, है ना, या बहुत ही इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट की इंपॉर्टेंस की कोई घटना हुई है तो उसे आपको देख लेना है, ठीक है। तो मार्च इसलिए मैं इम्पोर्टेंट मान रही हूँ, मार्च 2019 का करंट अफेयर। इसके अलावा अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का करंट अफेयर, करंट अफेयर में भी क्या, यदि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डिफेंस डील हमारी किसी कंट्री के साथ हुई है, ओके। मिसलेनियस के पार्ट में आपको पता है कि सिंपली इंडेक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि करप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, जनरली थीम तो पूछी ही जाएंगी, ये करंट अफेयर का ही पार्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग थीम्स और इनके अलावा डिफेंस एक्सरसाइज ये भी किस देश के साथ हुई है, ठीक है, नेवल है, आर्मी है, किस तरह की एक्सरसाइज है तो और कहाँ पर हुई है। तो ये जो डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, इस तरह के करंट अफेयर्स को आपको क्या करना है, कवर करना है। दूसरी चीज, जब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन या सबमिट्स की बात करेंगे, ओके, सबमिट्स जनरली होती रहती है और सबमिट्स में से प्लेस अक्सर पूछ लिया जाता है या पूछ लिया जाता है कि इंडिया या फिर कौन सा इसमें से उसका कंट्री मेंबर है या नहीं है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रिसेंटली जो सबमिट्स हुई हैं, जैसे बिमस्टेक वगैरह हो गया, उसके बारे में भी आपको रिवाइज रिकॉल कर लेना है। तो करंट अफेयर में प्लेस कोई रहा है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में, कोई आइलैंड रहा है, कोई डिस्प्यूटेड इंटरनेशनल बाउंड्री रही है, कोई यहाँ पे पर्सनैलिटी रही है इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड रहा है या इम्पॉर्टेंट बुक्स रही है, उनको क्या करना है आपको करंट अफेयर मिसलेनियस में से कवर करना है। तो नंबर वन, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि करंट अफेयर अक्टूबर से फरवरी तक, उसके पहले का मत पढ़िए, एक आध क्वेश्चन आता भी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब करंट अफेयर्स के अलावा जब जीएस के कोर एरियाज में आते हैं तो हम सब्जेक्ट उठाते हैं सबसे पहला जियोग्राफी यानी कि भूगोल। ओके, जियोग्राफी में आपको पता है दो तरह के जियोग्राफी के पार्ट होंगे, आपको वर्ल्ड जियोग्राफी कवर करना है और इंडियन जियोग्राफी कवर करना है ना। तो वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से प्रायोरिटीज में से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट्स को, पांच छह पॉइंट्स को जिनको लास्ट आवर्स में रिवाइज करना चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जियोग्राफी की बात कहें या फिर उसे इकोनॉमिक्स कहें या करेंट अफेयर कहें, जो आप कहना चाहें, जनरली जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है सेंसस। ओके, जनगणना, तो जनगणना पे आप स्पेशली फोकस रखें, पढ़ कर के ही जाएं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिससे इसमें से क्वेश्चन ना पूछा जाए, नहीं आएगा वो एक अलग बात हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है कि सेंसस में से क्वेश्चन आए ही आए। ठीक है, तो कहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, कहाँ सबसे कम सेक्स रेशियो है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं। तो नंबर वन प्रायोरिटी के बेसिस पे हमने डन किया सेंसस। दूसरा ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको ध्यान देना है, चाहे वो रेलवे जोन की बात हो, ठीक है, तो रेलवे जोन आपको कवर कर लेना है। यदि नेशनल हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे में गोल्डन क्वार्टाइल है यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो आपका है रोडवेज है, या फिर बीआरओ की बात की जाए, ठीक है, तो इस तरह से आपको रोडवेज को भी, नेशनल हाईवेज को एक सरसरी निगाह से देख लेना है। नेशनल वाटरवेज होते हैं उनको देख लेने हैं, एयरविंग्स, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट में कवर हो जाएंगी, उनमें कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मिनरल्स, इसे भी आप इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में जिसे में पढ़ना चाहें, मिनरल्स, मिनरल्स से ही रिलेटेड हो जाएगा रॉक स्ट्रक्चर, और रॉक स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड यहाँ पे हो जाएगा इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये सारे टॉपिक आपको ज्योग्राफी में देख करके जाने हैं। नेक्स्ट, इस साल बहुत सारी खगोलीय घटनाएं रही हैं न्यूज़ में, तो यूनिवर्स में जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं उनको तो देखिए ही, सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे छोटा प्लैनेट, किसके सैटेलाइट हैं, किसके नहीं हैं, इसके अलावा सन की स्ट्रक्चर को सुपरफिशियली देख लीजिए, बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मून को देख लीजिए, ठीक है, और हमारी जो खगोलीय घटनाएँ हैं, ठीक है, यानी कि जैसे सुपर मून, ब्लू मून, इन सारी चीज़ों को भी एक बार रिवाइज रिकॉल कर लीजिए, यानी यूनिवर्स आपको पढ़ करके जाना है। इसके बाद हम वर्ल्ड वाइड, ये शॉर्ट टॉपिक होते हैं, डेजर्ट, कौन सी कंट्री में कैसे डेजर्ट हैं, कैसे ट्राइब हैं, चाहे वर्ल्ड की बात की जाए या इंडिया की बात की जाए, कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, कौन कौन सी हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री या स्ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, तो ये टॉपिक, और कौन कौन से ग्रास लैंड है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आसानी से कवर किया जा सकता है, तो इनको भी आपको देखना है ना। जैसे इसी साल बहुत ज़्यादा चर्चा में थी अंडमान निकोबार की सेंसिटिव जो वहाँ की ट्राइब है, ठीक है, तो इस तरह से कहाँ की कौन सी ट्राइब से पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसी में जियोग्राफी के पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आपका हो जाएगा करंट, यानी जो ओशन करंट्स हैं। ओके, ओशन करंट्स के साथ ही यहाँ पर आपको जो लोकल विंड्स होती हैं, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में, कि कहाँ पे कौन सी विंड्स बहा करती है या कौन सी करंट कोल्ड है और कौन सी वार्म है, आपको ये भी याद रखना है। ओके, इस तरह से ये पांच छह टॉपिक आपके सामने हैं, बाकी पूरी ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए, जो पढ़ लिया आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए, और एट द लास्ट ज्योग्राफी में रिवर्स को पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए, इनमें से भी इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम और गंगा सिस्टम, और सदर्न इंडिया में कावेरी गोदावरी जो भी डिस्प्यूटेड रिवर्स रही हैं या कोई उनमें डिबेट है, उनको आपको क्या करना है, उनको देखना है, उन टॉपिक्स को, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहे जो लास्ट आवर्स में आपको रिवाइज करके ही जाने हैं, आपने पढ़ा होगा इनमें से, यदि कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं टच किया हुआ है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे क्लाइमेटोलॉजी में से मैं कहूँगी आप अभी भी पढ़ना चाहें तो एटमोसफियर की जो लेयर है उन्हें पढ़ लेंगे, है ना, ईजिली हो जाएगा, बहुत सिंपल से टॉपिक होते हैं, बचपन से पढ़ चुके होते हैं,
तो एटमोसफेयर लेयर जो है उनको आप एक बार देख लीजिए, कहाँ टेम्परेचर कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कौन सी स्पेसिफिसिटी कौन सी लेयर रख रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें से कि आप यूनिवर्स के साथ अर्थ को, थोड़ा सा अर्थ स्ट्रक्चर को डिटेल में देख करके जाएंगे। चलिए, तो ज्योग्राफी से अब आगे चलते हैं हम हिस्ट्री के पोर्शन में। हिस्ट्री में से जब बात की जाए तो हिस्ट्री में आपको क्या, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और इसमें मैं स्टार्ट करूँगी गांधीयन पीरियड से, यानी कि गांधीयन ईरा, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है, तो इन्होंने जो जो आंदोलन चलाए उन आंदोलन का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किस सन में कौन सा आंदोलन चलाया गया, ये ध्यान देना है आपको, ओके। क्या क्या विशेषताएं थी, सभी ने अवज्ञा आंदोलन है ना, यदि हम सिविल डिसोबियंस की बात करें तो उसके फीचर्स क्या थे एक बार पढ़ लेना है। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, वस्त्रों की होली जलाई गई, बहिष्कार किया गया, तो उसके भी फीचर्स पढ़ लेने हैं, ओके। गांधी नीरम में से जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में ही आएंगे तो जो कांग्रेस के सेशंस होते हैं, है ना, जब इस्टेब्लिश हुई उसके बाद से किसने उसकी चेयरमैनशिप की, उसके अलावा कौन कौन से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए, कौन कौन सी संस्थाएं आज़ादी के समय पे स्थापित की गई, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई, कौन कौन से न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए मॉडर्न हिस्ट्री में, ये चीज़ें आपको सुपरफिशियली देख लेनी है। साथ में आपको मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट होगा रिवोल्ट, ठीक है, चाहे वो ट्राइबल रिवोल्ट हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, ठीक है, तो कौन कौन लीडर थे और किस जगह पर ये आंदोलन हुआ है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद रिवोल्ट के बाद हम क्या कहेंगे, कांग्रेस सेशन, रिवोल्ट ऑफ द ट्राइबल्स, ओके। देन यहाँ पर हमारे, यदि हम मीडिएवल हिस्ट्री में जाएं और सदर्न इंडिया यानी दक्षिण भारत के इतिहास आपने नहीं पढ़ा तो अब मत देखिए बिल्कुल भी, लेकिन तोलपक्कियम जैसे जो ग्रंथ हैं, कंबन जैसे जो लिटरेचर हैं, वहाँ पे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, सुपरफिशियली आपको ब्रैकेट में किसी भी अच्छी बुक में मिल जाएगा, तो उस ब्रैकेट को मेमोराइज कर लीजिए सदर्न इंडिया से। और यदि आपने पढ़ रखा है तो विजयनगर और बहमनी जो वहाँ का साम्राज्य है, इनके ऑब्जेक्टिव एक बार सॉल्व करके जाइए, विजयनगर से भी एक दो साल क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ओके। हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेवलर्स, जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं, चाहे वे एंशियंट में, मीडिएबल हिस्ट्री में आए हो या मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, चाहे मुगल काल में, चाहे विजयनगर साम्राज्य में, तो कौन सा यात्री किस देश से आया था, इसे आपको याद रखना है, ट्रेवलर्स आपको पढ़ के जाने हैं। हिस्ट्री में ही गवर्नर जनरल के टाइम पर यदि कोई बड़े काम हुए हैं, डलहौजी के टाइम पे रेलगाड़ी वगैरह चली, डाक व्यवस्था हुई, ये सब देखिएगा। इम्पॉर्टेंट रोल तो रहता ही है बैटल्स का, तो जो जो बैटल्स हुए हैं और बैटल्स के साथ ट्रीटीज हुई हैं रिवोल्ट्स की, बैटल्स की, वो भी आपको देखनी है, कौन सा बैटल हुआ है ना, और उसमें कौन सी ट्रीटीज की गई। तो ये हिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक्स हैं जिनको आपको लास्ट आवर्स में रिकॉल करना है। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो बुद्धिज्म को, ओके, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में त्रिरत्न वगैरह देखिएगा, है ना, बुक्स जो रहती हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके अलावा इन बैटल्स हिस्ट्री में से यदि बात की जाए तो सल्तनत पीरियड में, ठीक है, कुछ नाम इम्पॉर्टेंट हैं और उनमें केवल तीन तीन चार चार पॉइंट ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके, इल्तुतमिश को पढ़ना है, फिरोज शाह तुगलक को पढ़ना है, कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ना है, ओके, तो और अकबर और जहांगीर, तो ये जो है एम्परर, इनके टाइम पीरियड में से आपको चीज़ें सरसरी निगाह से देख लेनी है, या टाइम बच रहा है तो लास्ट में आप गुप्ता, मौर्यन और मराठास को भी रिकॉल कीजिए, ठीक है। मराठा टाइम पीरियड में यहाँ पर गुप्ता, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और आर्किटेक्चर को देखना है आपको। और एट द लास्ट हिस्ट्री में से यदि भक्ति मूवमेंट देख सकते हैं आप तो उसको भी एक बार रिकॉल कर लीजिए।
तो हमने हिस्ट्री में क्या क्या देखा, हिस्ट्री में हमने गांधीयन पीरियड को प्रायोरिटी में रखा है, ट्रेबलर्स को रखा है, ट्राइबल रिवोल्ट को रखा है, सल्तनत पीरियड, विजयनगर साम्राज्य और सिख गुरु जो रहे हैं, ओके। वो सिख गुरु की सभी की किस समय पे कौन से गुरु थे और क्या काम हुआ था, इनको आपको देख लेना है। तो हिस्ट्री की भी बात यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब हिस्ट्री के साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर के चलेंगे वो हमारा रहेगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गया। अब बचा है आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में से हम क्या टॉपिक देख सकते हैं, पॉलिटी में से मैं सिर्फ 4-5 के ही नाम लूँगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, घुमाता नहीं है, आप इजीली उसे कवर कर पाओगे। पॉलिटी में से प्रायोरिटी में रखिएगा प्रियम्बल, प्रियम्बल को आपको रट लेना है, ठीक है, जो भी पैरा है रट करके जाने, रटने से क्वेश्चन बन जाएंगे वहाँ पे, और बाकी ऑब्जेक्टिव्स उसके देख लीजिए, अपनी कॉपी को रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से प्रियम्बल आपने पढ़ रखा होगा ऐसी उम्मीद है। प्रियम्बल के बाद सेकेंड नंबर पर रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जो भी 20-25 आपने लिस्ट मेमोराइज की होगी, 42वां संविधान संशोधन इनमें से इम्पॉर्टेंट है, 42nd पढ़ना ही पढ़ना है, 44th पढ़ना ही पढ़ना है, 86th पढ़ना है आपको, 91 पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर हैं जिनको कि आपको अच्छे से याद रख करके जाने हैं, ठीक है। तीसरा फंडामेंटल राइट के सारे आर्टिकल्स आपको देखने हैं, है ना, स्पेशली 21 आर्टिकल, 14 आर्टिकल, 15 एंड 16, ये इस साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजमेंट दिए हैं, ठीक है, जैसे वोटर्स राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही बना दिया, तो इस तरह से जजमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको आपको ध्यान रखना है। फिर DPSP के 16 आर्टिकल्स, DPSP आर्टिकल को देख लीजिए, किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, सिंपल से बहुत डेप्थ में मत जाइए, किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है उससे देखिए, ओके। और नंबर 5th हम जो रहेगा उसे रखेंगे इमरजेंसी, इमरजेंसी में तीनों इमरजेंसी 352, 356 और 360, ठीक है, इन इमरजेंसीज को क्या करना है, उनके फीचर्स कैसे, कब से कब टाइम ड्यूरेशन तक लगता है, क्या उसके आधार होते हैं, इनको पढ़ लीजिए। इमरजेंसी के साथ ही आपको प्रेसिडेंट का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, ओके। और लास्ट जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात कर रही हूँ वो है अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, ओथ, है ना, तो ये चीज़ें क्या करनी है कि कौन किसको अपॉइंटमेंट दिलवाता है, कौन किसको शपथ किसे दिलाता है, ये टॉपिक भी आपको पॉलिटी में कवर करना है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक होंगे आपके पास, पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं, बिल होते हैं, फिनेंस कमीशन होता है, तो वो चीज़ें तो आप यदि टाइम है और बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कीजिए, अदरवाइज इतने टॉपिक को प्रायोरिटी पे रख के जरूर देख करके जाइए, क्योंकि मैं सिर्फ एक हफ्ते का शेड्यूल बता रही हूँ तो मैं उसमें से इतने ही टॉपिक कर पा रही हूँ, है तो 24 आवर्स ही सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यदि आप इतना भी कर रहे हैं रिवाइज अच्छे से तो होपफुली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए अब इकोनॉमिक्स पे आते हैं, इकोनॉमिक्स में से बाकी टॉपिक तो सेंसस ज्योग्राफी में ही बता दिया, इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी में ही डिस्कशन कर लिया, अब इकोनॉमिक्स में से नंबर 1 प्रायोरिटी पे आपको रखना है पंचवर्षीय योजनाएं, 5-year plan, ठीक है। अब क्योंकि नीति आयोग आ गया है तो नीति आयोग का कौन CEO है, कौन चेयरमैन है, चेयरमैन तो PM ही होगा हमेशा, डिप्टी चेयरमैन कौन है, इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नीति आयोग से, लेकिन 5-year plan में सभी 5-year plan का टारगेट क्या था और कौन सी थीम्स थी ये ध्यान रखना है, ओके। देन दूसरे इसमें जो है, जैसे अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी तो किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्लियर, और इन हेडक्वार्टर्स के अलावा किस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन मेंबर कंट्रीज में से कौन उनके मेंबर है और कौन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन है, कौन उसके मेंबर्स हैं और कौन मेंबर नहीं है। तीसरी चीज़ इकोनॉमिक्स में से, बजट में जो स्कीम आई हो इस साल या जो पुरानी स्कीम है, जैसे मिड डे मील 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट हुई, ICDS प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 1995 की है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है और पूछी जाती है, तो इस तरह की जो स्कीम है जो पुरानी है, ठीक है, यदि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की बात की जाए, क्लीननेस इंडिया की बात की जाए, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, तो ये सारी की सारी स्कीम्स को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी,
इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स की बात की, करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन किया। लास्ट एक हफ्ते बचे हैं, आपकी तैयारी जितनी है यकीन कीजिए अपने आप के ऊपर की बहुत अच्छी है और एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि आपने काफ़ी दिन से पढ़ रखे हैं। ज़रूरत है चीज़ों को रिवाइज करने की, यदि भूल भी रहे तो टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम में सारी चीज़ें याद आ जाएंगी क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपका वहाँ पे माइंड वर्क करेगा। बस वहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा जो सबसे इजी क्वेश्चन बन रहे हैं, भले ही वो 10 बन रहे हों, सरसरी निगाह से पूरा पेपर देखना है, नॉट को ज़्यादा ध्यान रखना है, इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, फिर सेकेंड राउंड पे आना है। जिन टॉपिक्स पढ़ रखे हैं दो क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न है तो भी उनमें आपको यदि ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है तो उसे सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को टच मत कीजिए जिनके बारे में कुछ भी कभी जीवन में नहीं सुना है ना और टफ है, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जीएस में तो पक्के ऐसे आ जाते हैं जिनके बारे में समझ में नहीं आता कि उसका 2 स्टेटमेंट तो समझ में आ रहे, तीसरा है क्या। ठीक है, तो हाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पे फेथ रखना है। इस साल आईएएस का कट ऑफ 49% था प्री का, यानी कि 50% में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है 100% जीएस कभी कोई नहीं कर पाता, 100% के पीछे मत भागी, अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए। डिपेंड करेगा पेपर इजी आ रहा है, हार्ड आ रहा है और कट ऑफ कैसा हो रहा है। ओके, विश यू आर वेरी ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, हैव अ गुड लक, थैंक यू।